वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए जो कि टॉप करंट अफेयर्स हैं जीके है 14 सितंबर 2023 के। तो चलिए इनको सीखते हैं और याद करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दिया जाएगा आर्टिकल का, आप जाके वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए पहले सॉल्यूशन ये पढ़ लेते हैं। तो पहला हमारा ये है, महाराष्ट्र क्लिंच्ड द टाइटल ऑफ चैम्पियनशिप इन फिफ्थ नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैम्पियनशिप 2023 बाई सिक्योरिंग अ कन्विंसिंग विक्ट्री ओवर कर्नाटका। मतलब जो रग्बी चैम्पियनशिप होता है व्हील चेयर पर बैठ के, ठीक है, वो किसने जीता है? महाराष्ट्र ने जीता है। किसको हरा के? कर्नाटक को। तो इससे एक चीज़ हम और सीख सकते हैं कि महाराष्ट्र के हमारे चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। कैपिटल क्या है महाराष्ट्र का? मुंबई। और गवर्नर कौन है वहाँ का? रमेश बयास। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। अगला हमारा ये है, इंडियन ओरिजिन सिंगापुर बॉर्न इकोनॉमिस्ट थर्मन सान्वुगरत्नम अपॉइंटेड एज अ नाइन्थ प्रेसिडेंट ऑफ द सिटी स्टेट। सिटी स्टेट मतलब यहाँ पे सिंगापुर को ही बोला जा रहा है। सिंगापुर एक्चुअली बोलते हैं हम लोग रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर। ठीक है, तो रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर का कैपिटल भी सिंगापुर है और उनका जो नेशनल लैंग्वेज है वो है मलाई। ठीक है, और एक चीज़ और है इसमें, करेंसी। तो करेंसी सिंगापुर का सिंगापुर डॉलर है, ये याद रखें आप लोग। ठीक है, ये पहले भी वीडियो में बताया गया, इसे बार बार लिखा नहीं जा रहा है। अगला है ये कि 14 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं हम लोग। 1949 में आज के ही दिन हिंदी भाषा को भारत गणराज्य में आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाया गया था, इसीलिए हम लोग 14 सितंबर को हम लोग हिंदी भाषा दिवस मनाते हैं। ठीक है, हिंदी दिवस मनाते हैं क्योंकि इसी दिन इसे एक मान्यता मिला था कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज है रिपब्लिक ऑफ इंडिया का। हिंदी ही नहीं है, और भी बहुत सारे, एक हिंदी उस दिन जोड़ा गया था। और इसका अनाउंसमेंट किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला है, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी एट जयपुर इन राजस्थान। मतलब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर, उन्होंने इनॉग्रेट किया क्या? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी। डैम की सेफ्टी कैसे रखी, बांध की सेफ्टी कैसे कर दी जाए, उसके लिए, जो कि हुआ कहाँ? जयपुर राजस्थान में। इंडिया इज़ रैंक थर्ड ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ लार्ज डैम्स। मतलब इंडिया तीसरे स्थान पे आता है अगर लार्ज डैम्स की संख्या देखी जाए तो। अगला है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च फ्रॉम गुआना स्पेस सेंटर ऑन 25 दिसंबर 2021। ये जो पॉइंट है इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप एक ऐसा टेलीस्कोप है जो कि स्पेस में नासा के तरफ से छोड़ा गया है, ये पता करने के लिए कि हमारी जो गैलेक्सी है या हम लोग कितने पुराने हैं। ठीक है, तो अभी रिसेंटली एक नया न्यूज़ आया जिस न्यूज़ में ये बताया गया है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसको एक ऐसा प्लैनेट का प्लैनेट दिखा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जिससे कि उसमें लाइफ का पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो अगर ये, उसी लिए ये एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप सबसे पहले नासा से लिया है, नासा ने स्टार्ट किया इसको, और ये कहाँ से छोड़ा गया था स्पेस में? गुयाना। गुयाना एक साउथ अमेरिका का जगह है, साउथ अमेरिका में एक जगह है जहाँ पे एक स्पेस सेंटर है, वहाँ से 25 दिसंबर 2021 को ये जेम्स वेब टेलीस्कोप को छोड़ा गया था। ठीक है, जेम्स वेब एक्चुअली नासा के पहले डायरेक्टर थे, इसीलिए उनको उसका नाम से छोड़ा गया। फिर है, द कैबिनेट अप्रूव्ड द एक्सपेंशन ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना था उसे प्रधानमंत्री ने, मतलब जो कैबिनेट है उसने अप्रूव किया है कि इसे और आगे बढ़ाएंगे, और बढ़ाने के बाद इसमें ₹75 लाख नए और LPG कनेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक और चीज़ है कि ये उज्ज्वला योजना शुरुआत कब हुई? शुरुआत हुई थी 2016 में, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले, तो प्लीज़ ध्यान रखें। अगला है, डिजिटल पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइडर Paytm हैज़ अपॉइंटेड अ न्यू स्टैट्यूटरी ऑडिटर एस आर
बाटली वोई एंड एसोसिएट्स एलएलपी फॉर 5 ईयर। तो जो पेटीएम ने अपना नया लेखा परीक्षक या स्टेचुअरी ऑडिटर बनाया है किसको? एसआर बाटली बॉय को, ठीक है। और पेटीएम के सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा। तो ये आप याद कर ले, ठीक है। अगला क्या है? तमिलनाडु गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू लॉन्च द लार्जेस्ट सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव द कलाई नगर मगल उरिनम इत्तम वेयर बाय मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹1,000 विल प्रोवाइडेड टू 1.06 करोड़ एलिजिबल वुमेन फैमिलीज। मतलब ये कल के वीडियो में भी है, था ये शायद गलती से ये इसमें आ गया, बट अब आ गया तो पढ़ लेते हैं कि तमिलनाडु सरकार ने क्या किया है कि एक नया योजना किया है जिसमें 1.06 करोड़ पात्र महिला परिवार को ₹1,000 महीना दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा फाइनेंशियल असिस्टेंस होगा हमारे देश का। तो इससे ये चीज़ एक और पॉइंट पड़े, तमिलनाडु का कैपिटल क्या है? चेन्नई। चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. Stalin। गवर्नर कौन है? R.N. Ravi, ठीक है। अगला है क्लाउड बेहमोथ, बेहमोथ दिग्गज बहुत बड़ा को बोला गया, अमेजन वेब सर्विस। तो जो भी वेब में हमारा चलता है नेटवर्क, उसको एक कोई ना कोई तो प्रोवाइड करता है जगह, तो एक अमेजन वेब सर्विस है जो प्रोवाइड करता है, जिसको AWS शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम लोग, ठीक है। उसने एक स्ट्रेटेजिक MOU साइन किया है किसके साथ? इसरो के साथ और इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर के साथ टू सपोर्ट स्पेस टेक इनोवेशंस थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग। कि जो स्पेस में जो टेक्नोलॉजी चल रहा है उसको किसे सपोर्ट करने के लिए? क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। मतलब कि क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली ये हो गया कि एक ऐसा स्पेस जो कहीं और है बट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो किसी और के किसी घर पे रखा होगा, उसका स्पेस यूज़ करके आप लोग अपना नेट चला रहे हैं, ठीक है। और इसमें ये क्या है कि CEO ऑफ अमेजॉन वेब सर्विस है एडम सेल्फ्सकी और सिर्फ अमेजन के CEO है जेफ बेजोस। तो आप ये याद रखें, बहुत ही ज़रूरी पॉइंट्स है। तो प्लीज़ आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, और नोट डाउन करने के लिए आप जाके इसके डिस्क्रिप्शन के नीचे एक लिंक दिया होगा, जिस लिंक में आपको इसका पूरा आर्टिकल मिल जाएगा लाइन बाय लाइन लिखा हुआ। तो आप वहाँ से देख के लिख सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके भी आप देख के लिख सकते हैं। रिवीजन के लिए आप देखते रहे वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट। और अच्छा लगा हो वीडियो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और व्यूअरशिप हमारा आए और हम और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बना पाएँ। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड।